हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है, बेटा फिश के बारे में। मुझे बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप बेटा फिश का वीडियो लेके आओ, बेटा फिश का वीडियो लेके आओ। तो भाई आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ चुका हूँ बेटा फिश का, मेल और फीमेल का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आज इस वीडियो पर कम्प्लीटली आप लोग को बताऊँगा बेटा फिश के केयर के बारे में, बेटा फिश का क्या ज़रूरत है और आप लोग बेटा फिश क्यों बहुत ईजी तरीके से रख सकते हो आप लोग के घर पर। बेसिकली अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग के घर पर एक्वेरियम रखना चाहते हो तो भाई आप लोग के लिए बेस्ट हो सकता है बेटा फिश, क्यों आगे चल के आप लोग को वीडियो पे बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, बेटा फिश आप लोग अगर रखना चाहते हो आप लोग के घर पे, ये लो मेंटेनेंस फिश क्यों बोलते हैं आज इस वीडियो पे आप लोग को सब कुछ खोल के डिटेल्स में बताऊं। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, आप लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, फिर भी आप लोग घर पे एक्वेरियम रखने के लिए सोच रहे हो, तो आज का वीडियो अगर आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख लो, तो फिर आप लोग जो भी डाउट है बेटा फिश का प्राइस को लेके, बेटा फिश का रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पानी के अंदर फिल्टर होना चाहिए या नहीं, क्या फूड देना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए बेटा फिश के मेंटेनेंस के लिए, सब कुछ खोल के इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आप लोग एक्वेरियम हॉबिस्ट हो, फिश लवर हो या फिर पेट लवर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना, क्योंकि बहुत जगह मैं देखा हूँ चैनल तो सब्सक्राइब करके रखे हो बट बेल आइकन पे ऑल क्लिक करना भूल चुके हो। इसके कारण पे मैं वीडियो डालने के बाद आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो बेल आइकन पे जरूर चेक कर लेना कि आप लोग ऑल क्लिक किए हो। तो भाई आप लोग का जो आज का टॉपिक है बेटा फिश के ऊपर, बेटा फिश बहुत ही अट्रैक्टिव फिश होता है भाई, आप लोग खुद यहाँ पर वीडियो पे देख पा रहे हो कितना अट्रैक्टिव है बेटा फिश। आप लोग के लिए आज इस वीडियो पे डिटेल में कंप्लीट केयर के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए। बेटा फिश लेके बहुत जन को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मेरा सब्सक्राइबर को मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करता है जब भी मैं लाइव में आता हूँ, बेटा फिश के ऊपर ए लेके आओ, वो लेके आओ। भाई आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, इस वीडियो पर आप लोग का जो भी डाउट है भाई सब कुछ क्लियर आउट कर दूंगा। कितना कॉस्ट पर बेटा फिश मिलता है, छोटा बेटा फिश मिलता है, बड़ा बेटा फिश मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो पे बताऊंगा। हाफ मून या फिर क्राउन टेल, बहुत सारा वैरायटीज का बेटा फिश आता है, सब कुछ डिटेल में कवर अप करूंगा। तो सबसे पहले जो चीज मैं बताना चाहता हूं, बेटा फिश कौन से टैंक के अंदर आप लोग रख सकते हो। तो यहां पर आप लोग लाइव वीडियो पे देख पा रहे हो, एकदम एक फीट बाई एक फीट के टैंक के अंदर दो बेटा फिश है। आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग एक फीट बाई एक फीट टैंक के अंदर इजिली बेटा फिश रख सकते हो, या फिर आप लोग बोल वगैरह में रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। ये लो मेंटेनेंस फिश क्यों है मैं वीडियो स्टार्ट से पहले बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है इस बेटा फिश का, आप लोग टैंक पे अगर बेटा फिश रख रहे हो तो आप लोग विदाउट एनी काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन बेटा फिश रख सकते हो। बट आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप लोग विदाउट फिल्ट्रेशन विदाउट ऑक्सीजन बेटा फिश रखोगे तो आप लोग को पानी वगैरह जो चेंजेस करने का होता है वो आप लोग को ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोग के पानी के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा, आप लोग फूड वगैरह दे रहे हो, फिश खा रहा है, पॉटी कर रहा है, पानी पे अमोनिया क्रिएट हो जाएगा ना, तो इसके कारण अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ भाई मुझे फिश का फिल्टर वगैरह नहीं डालना है टैंक के अंदर, तो भाई आप लोग को जो चीज़ ध्यान रखना है पानी का चेंजेस। अभी मैं आप लोग को पानी का चेंजेस के बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को टैंक साइज के बारे में बोल दिया हूँ। वाटर चेंजेस अगर आप लोग फिल्टर रखे हो, आप लोग के टैंक के अंदर फिल्टर देके रखे हो, तो आप लोग दो हफ्ते में एक बार पानी चेंज कर सकते हो। बट अगर आप लोग पानी पे कोई भी फिल्टर ऐड नहीं किए हो, जैसे यहाँ पर मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ, कोई भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं दिए हो, बेटा फिश का हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन का, क्योंकि इनवर्टिब्रेट होता है, वो ऊपर में सर्फेस में आके ऑक्सीजन ले लेता है, तो आप लोग का कोई ऑक्सीजन देने का मैंडेटरी नहीं है या फिर फिल्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप लोग नहीं देके रखे हो यहाँ पर, जैसे वीडियो पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग मान के चलो तीन दिन या चार दिन गैप में आप लोग को पानी चेंज करना होगा, एटलीस्ट ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप लोग पानी चेंज नहीं करोगे एमोनिया क्रिएट हो जाएगा और जो अनईटन फूड वगैरह है वो नीचे पड़ा रहेगा, उसमें से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है आप लोग के मछली को। इनफैक्ट जो पॉटी वगैरह भी बेटा फिश करता है उससे भी बहुत ज़्यादा नाइट्रेट एमोनिया क्रिएट हो सकता है टैंक के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके कारण ही सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फिल्टर वगैरह बेटा फिश के टैंक पर नहीं रखे हो तो भाई हफ्ते में दो बार तो पानी चेंज करना मैंडेटरी है, 3 to 4 days गैप में आप लोग को पानी चेंज करना है। कितना पानी चेंज करोगे, 50 to 70% पानी आप लोग चेंज कर सकते हो, 100% चेंज मत करना, 50 to 70% पानी चेंज करना। जब भी चेंज करोगे जो एक्वेरियम का ग्लास वगैरह है उसको घिस के
एकदम क्लीन करना, ताकि एकदम जो भी सेडिमेंट वगैरह ग्लास के ऊपर पड़ जाता है वो क्लीन हो जाएगा। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना, क्योंकि बेटा फिश बहुत ही हार्डी फिश होता है, बट फिर भी हार्डी फिश होने के कारण ऐसा नहीं है कि भाई उस लोग को केयर नहीं करना है, आप लोग को कंप्लीट केयर करना है आप लोग के मछली को हेल्दी रखने के लिए। अभी जो चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बेटा फिश कितना साल तक जीता है, लगभग आप लोग मान के चलो अगर आप लोग कैप्टिविटी में रख रहे हो तो आप लोग का बेटा फिश 4 साल तक जी जाता है, बट अगर आप लोग नेचर में देखोगे तो भाई बेटा फिश उससे भी ज़्यादा जी लेता है, बट आप लोग को नॉर्मल पकड़ के चलो 3 से 4 साल एक्वेरियम के अंदर जी लेता है। मैं पर्सनली देखा हूँ, बहुत जन का होता है 1 साल पे ही मर जाता है। अभी मैं आप लोग को बताऊँगा क्यों बेटा फिश का डेथ होता है। बेसिकली डेथ होता है बेटा फिश का आप लोग के केयरलेस के कारण। आप लोग बोलोगे नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा केयर किया हूँ, देखो भाई केयर मैं ऑलवेज बताता हूँ इस तरीके से करो, जो केयर आप लोग का मछली को ज़रूरत है आप लोग के हिसाब से केयर कर देते हो, बट मछली का जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग नहीं करते हो, तो ये आप लोग को ध्यान रखने वाला चीज़ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोग को क्या केयर करना चाहिए बेटा फिश के लिए, सबसे फास्ट जो चीज़ करना है भाई, जो पानी का चेंजेस के बारे में बता दिया हूँ वो चेंजेस तो आप लोग को करना है। सेकेंड, आप लोग जो पानी पे रख रहे हो बेटा फिश उसका TDS ज़रूर चेक कर लेना भाई, ये आप लोग को बहुत कम जन बताएगा TDS क्या है, उसके बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके भाई चेक कर लो। आप लोग का टैंक का TDS होना चाहिए 150 से 200 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 150 होगा तो बहुत अच्छा है बेटा फिश के लिए, बहुत हेल्दी रहेगा। अगर 200 के आसपास भी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी 300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। TDS कैसे कंट्रोल कर सकते हो, TDS एग्जैक्टली है क्या, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे रखा हुआ है बेस्ट एक्वेरियम वाटर के ऊपर, जाके एक बार देख लो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग बहुत जन क्वेश्चन कर रहे थे मुझे, भाई मेरा बेटा फिश के टैंक के अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर सकता हूँ या नहीं। देखो भाई इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिफरेंट एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा फ्यूचर पे, बट अभी छोटा से एक मतलब हिंट्स देके बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पानी का TDS 100 के आसपास है तो चुटकी भर रॉक सॉल्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर 100 के आसपास TDS नहीं है, TDS हाई है 150-200 के आसपास है, तो सॉल्ट भी यूज़ मत करो बेटा फिश के टैंक पे, एकदम भी सॉल्ट यूज़ मत करो। बट अगर 100 के आसपास TDS है तो भाई आप लोग एक चुटकी रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, एक चुटकी एकदम कम अमाउंट का, क्योंकि टैंक का साइज़ छोटा है, सॉल्ट भी आप लोग को बहुत कम देना है क्योंकि उससे उल्टा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अभी आप लोग बोलोगे भाई पानी पे कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है, देखो भाई मैं ऑलवेज सबको बताता हूँ पानी पे भाई स्ट्रेसिल मेडिसिन यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी एंटीक्लोरिन यूज़ कर सकते हो, ये मैंडेटरी है पानी चेंज करने के बाद। और उसके साथ साथ अगर आप लोग के फ्यूचर पे बेटा फिश को कोई डिजीज़ वगैरह पकड़ लेता है तो भाई आप लोग मेलाचिट ग्रीन बोल के एक मेडिसिन आता है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। हालांकि बेटा फिश बहुत हार्डी होता है, इजीली कोई भी मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट कभी भी अगर पानी चेंज कर रहे हो तो एंटीक्लोरिन ज़रूर यूज़ करना, फिश का हेल्थ अच्छा रहेगा, ये आप लोग को मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लोग बहुत देर से वीडियो पे देख रहे हो, 2 बेटा फिश मैं टैंक के अंदर रखा हूँ, एक मेल है एक फीमेल है। तो एक चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना है भाई, अगर आप लोग मेल और फीमेल बेटा फिश रखने के लिए सोच रहे हो तो भाई आप लोग को बहुत ही सिलेक्टिव करके रखना है, नहीं तो भाई आप लोग का जो फीमेल बेटा है वो आप लोग का मेल बेटा उसको मार डालेगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग को पता नहीं है ब्रीडिंग वगैरह कैसे करना है, नॉर्मल एक्वेरियम शॉप पे जाओ, एक्वेरियम दुकानदार से जाके पूछो, आप लोग को सिलेक्टिव बेटा का जो फीमेल फिश होता है आप लोग को दुकानदार ही प्रोवाइड कर देगा, तो वो आप लोग को सिलेक्ट करके लेना है। क्योंकि अगर आप लोग मेल बेटा फिश लोगे वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, जैसे आप लोग बहुत जन मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो पता ही होगा फ्लावर ऑन जैसे एग्रेसिव होता है, मेल बेटा फिश भी फाइट करता है अनटिल डेथ, ये एकदम मेल बेटा फिश का नेचर ही रहता है। तो उसके साथ साथ अगर आप लोग फीमेल बेटा फिश का ब्रीडिंग के लिए आप लोग सोच रहे हो उसके लिए एक डेडिकेटेड डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा, बट इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ कि भाई फीमेल बेटा फिश जब भी आप लोग मेल बेटा फिश के साथ रखोगे थोड़ा आप लोग को सिलेक्टिव रखना है। अगर आप लोग सिलेक्ट करके फीमेल बेटा फिश चॉइस नहीं करोगे, आप लोग का मेल ज़्यादा एग्रेसिव है तो भाई आप लोग के फीमेल बेटा को मार भी सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा भाई फर्स्ट टाइम अगर रख रहे हो तो सिंगल मेल बेटा रखो। मेल बेटा का डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो फीमेल से देख सकते हो, मेल बेटा अभी जो सामने वाला आ रहा है जिसका फिन्स सबसे ज़्यादा बड़ा है, मेल बेटा फिश का फिन्स फीमेल से बड़ा होता है, फीमेल का भी बड़ा होता है बट मेल्स के ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये डबल टेल फुल मून बेटा है, बहुत सारा वैरायटीज आता है, हाफ मून बेटा आता है, कैंडी बेटा आता है, वेलटेल बेटा आता है, काउंटरेल बेटा आता है, बहुत सारा आता है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा टाइप ऑफ बेटा फिश, अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना।
बट आज का वीडियो कंप्लीट केयर ओवर बेटा फिश के ऊपर है। तो भाई जो ओवरऑल केयर के बारे में मैं बता रहा हूँ ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि बेटा फिश का अभी आप लोग को जो जो पॉइंट्स बताऊंगा अभी तक जो बताया हूँ ये तो पॉजिटिव चीज़ है। विदाउट ऑक्सीजन लो मेंटेनेंस फिश आप लोग रख सकते हो, बहुत ईजिली आप लोग रख पाओगे, हार्डी मछली है, बहुत सारा चीज़ तो मैं बताया हूँ। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से फॉलो करना है, अगर ये चीज़ आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो भाई आप लोग का बेटा फिश ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा। जो लोग बोलता है ना मेरा बेटा फिश एक साल में मर गया है, दो महीने में मर गया है, तो भाई एक चीज़ दिमाग पे बैठा लो, आप लोग के केयर लेस के कारण ये मछली मर जाता है। आप लोग केयर तो करते हो बट मछली का जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग नहीं कर पाते हो। फास्ट चीज़ आप लोग को जो ध्यान रखना है, बेटा फिश ठंडे पानी का मछली नहीं है भाई। नेचर में भी बेटा फिश को जब आप लोग देखोगे जहाँ पर रहता है बेटा फिश, पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा हाई होता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो जब दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो टेम्परेचर है पानी का ये लगभग पकड़ के चलो 29 से 30 डिग्री के आसपास है। बट विंटर के टाइम पे आप लोग के बेटा फिश के टैंक के अंदर ये मतलब कैसे भी करके आप लोग को हीटर डालना ही है। अगर आप लोग बोल पे रखोगे तो भाई हीटर डालना टफ चीज़ हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग एक्वेरियम वगैरह पे छोटा रखो तो उसमें ईजी हो जाएगा हीटर ऐड करना। बट अगर आप लोग हीटर ऐड नहीं करोगे तो बोलोगे कि भाई मेरा बेटा फिश मर जाएगा, देखो भाई मरने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप लोग हीटर लगा के रखोगे तो मिनिमम आप लोग पकड़ के चलो आप लोग का बेटा फिश का लाइफ स्पैन 4 साल के आसपास हो जाएगा। बट मैक्सिमम जो बेटा फिश का डेथ होता है पानी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने के कारण, क्योंकि बेटा फिश कभी भी ठंडे पानी पे जी नहीं सकता है ज़्यादा दिन तक। अगर बहुत हार्डी होता है तो लगभग एक विंटर सहन कर लेगा, नेक्स्ट विंटर पे डेथ हो जाएगा, ये एकदम कॉमन चीज़ है। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर के बारे में बोल दिया हूँ। अभी आप लोग पूछोगे भाई बेटा फिश को खाना क्या देना है, बहुत जगह पे बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भरा पड़ा है भाई ये खिलाओ बेटा फिश को, मस्कीटो लार्वा खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, बहुत सारा चीज़ है भाई। मैं आप लोग को एकदम सिंपल सा चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो भाई, ये जो चीज़ आप लोग को मैं अभी बताऊँगा आप लोग अगर बेटा फिश को खिलाओगे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर आप लोग फ्यूचर पे चाहते हो पैलेट्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आना तो भाई आप लोग नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारा ऐसा पैलेट्स है जिसका मेरे पास अभी रिव्यू अभी पड़ा है मेरे घर पे, मैं खुद डालता हूँ बेटा फिश को, उसका अगर आप लोग रिव्यू चाहते हो तो रिव्यू मैं आप लोग को मतलब फ्यूचर पे दे दूंगा। अभी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को नेम वगैरह बता रहा हूँ। फास्ट जो फूड मैं बेटा फिश को खिलाता हूँ, ड्राई ट्यूबिफ्लेक्स वर्म, फिर से मेंशन कर रहा हूँ ड्राई ट्यूबिफ्लेक्स वर्म, मैं लाइव फूड नहीं खिलाता हूँ। किसी भी मछली को मेरे घर पे मैं लाइव फूड क्यों नहीं खिलाता हूँ इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट आप लोग को एक नॉर्मल सा कॉमन एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। लाइव फूड खिलाने से बहुत सारा फिश को डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है वो डिफरेंट वीडियो पे बताऊँगा भाई। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ खिलाता हूँ ड्राई ट्यूबिफ्लेक्स वर्म, सेकेंड जो चीज़ खिलाता हूँ भाई ड्राई ब्लड वर्म, फिर से मेंशन कर रहा हूँ ड्राई ब्लड वर्म, ये दो फूड सबसे पहले मैं खिलाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ पैलेट्स अभी मार्केट पे मिल रहा है वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर अगर आप लोग डिटेल रिव्यू वाला वीडियो चाहते हो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारा आता है ऑप्टिमम की तरफ से आता है, रॉयल बोल के एक कंपनी की तरफ से आता है, वो छोटा छोटा एकदम माइक्रो ग्रैन्यूल्स पैलेट होता है। जो पैलेट्स होता है हम लोग का नॉर्मल जो फ्लावर ऑन बोलो गोल्ड फिश बोलो दूसरा मछली का जो पैलेट्स होता है जो फूड खाते हैं उससे 2 गुना छोटा होता है, एकदम मैक्रो एकदम छोटा छोटा पैलेट्स होता है। अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा फिश का सेकेंड रीज़न डेथ होने का, देखो भाई छोटा जगह पे रख रहे हो, फिल्टर नहीं चल रहा है, खाना ठूसते जा रहे हो, ओवर फीडिंग करोगे तो भाई आप लोग का बेटा फिश का डेथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कैसे समझोगे भाई ओवर फीडिंग हो रहा है, बेटा फिश का जो आइज़ होता है ना वो लोग के आइज़ को पकड़ के चलो, 2 आइज़ में जो साइज़ होता है बेटा फिश के स्टोमक पे उतना ही जगह होता है खाना खाने के लिए। ये एकदम मैं आप लोग को सीक्रेट बता रहा हूँ, ये आप लोग को मैं कोई मतलब थियोरेटिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बेटा फिश जो खाना खाता है वो खाना वो लोग के जो आइज़ जो होता है उसका जो साइज़ होता है उसके हिसाब से ही उस लोग के टमी पे स्पेस होता है खाना खाने का। अगर मछली को आप लोग ज़्यादा खिलाओगे मछली को समझ में नहीं आता है, ज़्यादा खा लेता है, ड्रॉपसी हो जाता है, पेट फूल जाता है और मछली मर जाता है। आप लोग बोलोगे नहीं भाई मैं बहुत केयर किया हूँ मेरा मछली मर चुका है, केयर कर रहे हो भाई उल्टा केयर कर रहे हो। तो आप लोग खाना खिलाओ दिन में हार्डली 1 या 2 बार, बेटा फिश को दिन में अगर 1 बार भी खिलाओगे
तो भी बेटा फिश हेल्दी रहेगा। दो बार भी खिलाने का ज़रूरत नहीं है, एक बार खिलाओ टीवी फ्लेक्स वर्म या फिर ब्लड वर्म और नेक्स्ट दिन खिलाओ पैलेट्स अल्टरनेट डेज पे। और अगर चाहते हो बीच में एक दिन गैप देना, जे भाई मैं 7 दिन नहीं खिलाऊंगा, 6 दिन खिलाऊंगा, 1 दिन फास्टिंग करूंगा, वो भी कर सकते हो। मैं पर्सनली वो फॉलो करता हूँ मेरे कोई भी मछली के ऊपर, फ्लावर हॉर्न बोलो, जो भी सिकलिट कैटेगरी का मेरे पास मछली है, मैं 7 दिन नहीं खिलाता हूँ, 6 दिन खिलाता हूँ, 1 दिन मैं गैप दे देता हूँ। वो गैप में फिश का जो भी अनईटन फूड स्टमक के अंदर रहता है वो क्लियर आउट हो जाता है, उसके लिए मैं गैप दे देता हूँ। आप लोग को भी मैं वही रिकमेंड करूँगा। और लास्ट एंड फाइनल चीज़ अभी मैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बेटा फिश रखने के लिए सोच रहे हो, भाई दिमाग पे एक चीज़ बैठा लो, मेल और फीमेल बेटा फिश ऐसे जो मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से फर्स्ट टाइम ट्राई मत करो, ताकि आप लोग का जो फीमेल बेटा है वो मरने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 साल अगर आप लोग बेटा फिश रखोगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाओगे कि भाई कैसे तरीके से फीमेल चॉइस करना है वगैरह वगैरह। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे 2 बेटा फिश रखना है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, बीच में थोड़ा एक सेपरेशन डाल दो, एक गैप कर दो टैंक के बीच से, और दोनों साइड पे 2 बेटा फिश रख दो। बट एक ही जगह पे मैं जैसे यहाँ पर वीडियो पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके का गलती पहले ही फर्स्ट टाइम बिगिनर होके अगर नहीं करोगे तो अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे बेटा फिश के ऊपर तब रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रीडिंग के ऊपर अगर आप लोग बेटा फिश का वीडियो चाहते हो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताना। तो ओवरऑल जितना सारा पॉइंट्स था बेटा फिश के केयर के ऊपर, आई थिंक सब कुछ मैं कवर अप कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हो कोई भी पॉइंट्स छूट चुका है, मैं बोल नहीं पाया हूँ, भूल गया हूँ, तो आप लोग नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना कि आप लोग का कुछ अगर डाउट है तो। तो भाई और एक चीज़, हाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा फिश का लाइट के बारे में। टैंक के अंदर ना एक चीज़ ध्यान रखना है, लाइट थोड़ा ध्यान रखना है बेटा फिश के लिए, क्योंकि बेटा फिश के टैंक के अंदर अगर लाइट नहीं रहेगा ना, बेटा फिश का जो कलर है वो उभर के नहीं आएगा। तो आप लोग को मिनिमम 3 से 4 घंटा 5 घंटा आप लोग को लाइट देना है, कोई भी लाइट दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर ऐसा लाइट देना है, आप लोग हल्का फुल्का नॉर्मल LED बल्ब भी दे सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो पे